Hey guys, what's up? This is Mohit Biz from Fit India. So yesterday I received an email from Rohan and it said, "Hey Fit India, what's up? I watch all your videos. They're very informational. Thank you for them. My question is that can I eat roti? I think it's making me fat because lately I've been eating a lot of rotis and I think my waistline is getting bigger. Please suggest. Thank you so much." तो पहले हम बात करते हैं कि रोटी बनती किससे है। रोटी बनती है व्हीट फ्लोर, दैट इज गेहूं का आटा। एक रोटी में आपको अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड अराउंड 2-3 ग्राम्स ऑफ फैट्स, एंड ये फिगर फ्लक्चुएट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि रोटी का साइज क्या है, कितना है एंड उसकी थिकनेस कितनी है। तो इन फिगर्स को देख के आप कह सकते हैं कि रोटी इज प्राइमरली अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई एट 20 ग्राम्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स आर लो। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। तो जब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में एंटर करता है एंड बिकॉज ग्लूकोज इज सिंपल शुगर तो आपके ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इससे डील करने के लिए जो आपके ग्लैंड है पैनक्रियाज, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। उस इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है उसको नीचे लाना है, कंट्रोल करना है। तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो आपके लिवर में स्टोर हो जाता है, बाकी सारा जो है उसको इंसुलिन पुश करता है टुवर्ड्स योर मसल्स ताकि वो मसल्स आपके एब्जॉर्ब कर सकें उस ग्लूकोज को, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके मसल्स में ग्लूकोज एंटर होगा तो आपके मसल बिगर एंड फुलर लुक आएगी आपके मसल्स में, विच इज़ गुड। बट द थिंग इज कि एक लिमिट तक ही स्टोर हो सकता है आपके मसल्स में ग्लूकोज एट अ सर्टेन पॉइंट। उससे ज़्यादा उस लिमिट से ओवर एंड अबव आपको अगर ग्लूकोज सप्लाई किया जा रहा है तो वो मसल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सारा जो है वो एज फैट स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में। एक अब इमेजिन करिए आपके मसल का स्टोरेज है, तो इंसुलिन ने पुश किया सारा ग्लूकोज तो आपके मसल के स्टोरेज भर रहे जब यहाँ तक पहुँच जाएगी तो वो लिड बंद हो जाएगा। उसके ऊपर से कुछ भी आ रहा है तो सारा स्पिल हो जाएगा, सारा एज अ फैट स्टोर हो जाएगा, मसल उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितना उसे चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा यही प्रोसेस है कि आप फैट एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में ड्यू टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक। तो अब हम बात करते हैं रोटी की, विच इज़ प्राइमरली अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी की कंजम्पशन डिपेंड करेगी कि आपका फिटनेस गोल क्या है, कि आप साइज गेन करना चाहते हैं या आप बॉडी फैट लूज करना चाहते हैं। सपोज अगर आप साइज गेन करना चाहते हैं तो अगर आप दिन के 6 मील ले रहे हैं तो एक मील में आप 2 से 3 रोटी आराम से खा सकते हैं बिकॉज 2 से 3 रोटी में आपको 40-60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, आई थिंक विच इज़ गुड इन अ गेनिंग डाइट। बट प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ 3 रोटी तो खाओगे नहीं, उसके बाद आप सब्जी भी खाओगे, वो क्या है कार्बोहाइड्रेट, उसमें आलू होंगे वो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप रोटी से ले रहे हो, उसके ऊपर भी आप 20-30 ग्राम्स आप सब्जी से ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, आई थिंक इट्स टू मच इन वन मील। तो वो जो मैंने टैंक वाला एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसी केस में अगर आप ऐसी डाइट लोगे तो टैंक भर जाएगा और जो एक्सेस है ग्लूकोज वो फैट में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो इसकी रेमेडी ये है कि आप रोटी, आपको पसंद है आप रोटी खाओ, सब्जी को हटाओ एंड उसकी जगह इंक्लूड करो गुड प्रोटीन सोर्सेज लाइक एग्स, चिकन, टोफू, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हो तो पहली बात आपकी क्रेविंग जो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग है वो कम होगी, क्योंकि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आप ज़्यादा खा लोगे। तो इसलिए प्रोटीन इंक्लूड करो ताकि आपकी क्रेविंग्स कार्बोहाइड्रेट्स की नीचे हो, कम रहे। दूसरी बात, ताकि आप पूरे अगर आप ऐसे ही हर मील में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन खाओगे तो आपका पूरे दिन का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक बार ही में ना खाना पड़े। एंड एक और चीज़ ये है कि प्रोटीन जो है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड अगर हम बॉडी फैट आपको लूज़ करना है, आप कटिंग डाइट पर हैं तो आप प्रोटीन ना कंज्यूम करें तो अच्छा है। बट अगर आपको रोटी पसंद है तो मैक्सिमम पूरे दिन की, हम मील की बात नहीं, पूरे दिन की एक रोटी आप कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि एक रोटी से जो आपको 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं उससे आप मोटे हो जाएंगे, आपको फैट एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा। बट आप कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रोटी से ही थोड़ी ना ले रहे हैं, आप और भी चीज़ें तो खाएंगे, आप राइस खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, ओट्स खाएंगे, तो उनसे भी तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका टोटल डेली जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है एक कटिंग डाइट में वो पूरा हो जाएगा। तो आप अगर आप लेकिन आप 3-4 रोटी खा रहे हैं तो आप उसमें 60-80 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो रोटी से ही मिल गया, तो आप और चीज़ें भी खाएंगे,
तो टोटल आपका कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आप कट कर ही नहीं सकते ऐसे। तो कटिंग नाइट पे रोटी ना ले तो अच्छा है, लेनी है तो एक मैक्सिमम पूरे दिन में। तो आपको मन में ये बात रखनी है कि जो आप रोटी खा रहे हैं और उससे मिलने वाला या जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको दुश्मन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के लिए। जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है वो कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है। तो अगर आपकी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके मसल से ले लेगी, तो आप मसल लूज करेंगे एंड दैट्स नॉट वॉट यू वॉन्ट ऑब्वियसली। एंड आपको एक और चीज़ मन में रखनी है कि 3 बेस्ट टाइम जो है जब आप रोटी खा सकते हैं वो है सुबह उठ के पहला मील जो लेंगे आप उसमें आप रोटी खा सकते हैं, बिकॉज आपकी मसल्स ने आपकी बॉडी ने 8 घंटे या 10 घंटे स्टार्व किया। जितने भी टाइम आप सोए हैं आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में थी, तब आपकी बॉडी क्रेव कर रही है वो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को चाहिए, तो तब आप रोटी खा सकते हैं। और सेकेंड टाइम ये है कि जब आप वर्कआउट कर प्री वर्कआउट मील जो है आपका वर्कआउट से पहले तब आप खा सकते हैं, बिकॉज अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि आप वर्कआउट आप एक इंटेंस वर्कआउट करने वाले हैं उसमें आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो आप रोटी खाइए, उससे कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलेगा वो आपको एनर्जी सप्लाई करेगा। एंड तीसरा टाइम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज आफ्टर योर वर्कआउट, योर पोस्ट वर्कआउट मील, बिकॉज आपने जो इंटेंस वर्कआउट किया है उससे आपके बॉडी में जो ग्लूकोज था वो नीचे आ गया, वो टैंक था वो कम होना शुरू हो गया है, तब आपको उसे वापस फिल करना है। इसलिए पोस्ट वर्कआउट मील सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप रोटी कंज्यूम कर सकते हैं। दैट्स इट। आई होप रोहन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो भी लोग थे जिनका ये डाउट था ये कन्फ्यूजन थी, आई होप मैं क्लियर करने में कुछ हेल्प कर पाया आपकी। एंड इफ एनी अदर पर्सन हैज एनी अदर डाउट देन ईमेल मी एट thefitindia@gmail.com एंड आई मेक अ वीडियो, आई ट्राई एटलीस्ट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।